Hey everyone, hi, how are you all? Hope you all are doing great. My name is Shilpa and welcome back to my channel. So guys, आज का वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज के वीडियो पे मैं एक न्यूली लॉन्च रेंज के बारे में बात करने वाली हूँ. रियली एक्साइटेड बिकॉज बहुत लोगों ने मुझे ये न्यू लॉन्च के बारे में बताया था, पूछा था कि प्लीज़ रिव्यू डालो. सो यस, आई हैव गॉट इट. ये 2 से 3 हफ्ते पहले ही लॉन्च हुआ है. सो या एकदम रिसेंट न्यू लॉन्च है, तो वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना. नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द इंट्रो. रेंज के बारे में मैं बात करने वाली हूँ फ्रॉम लैक्मे एंड आई हैव गॉट ऑल ऑफ दिस शेड्स फ्रॉम अमेज़न. एंड इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, अमेज़न पे ना अभी सेल स्टार्ट हुआ है, आप लोगों को बहुत ही ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा. आप लोगों को तो ऑलरेडी पता ही है अमेज़न पे कितने सारे वैरायटीज, ब्रांड्स एंड कितने सारे अमेज़न द अल्टीमेट ब्रांड सेल, आप लोगों को बहुत ही ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल सकता है, लिटरली अप टू 50% प्राइसी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल सकता है अगर आप लोग ये सेल के दौरान परचेस करते हो. तो इन सब का लिंक ना आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो यस, डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट. नाउ दीज आर अवेलेबल इन आई गेस 10 to 12 different shades एंड आई हैव गॉट 7 different shades. एंड मैं चूज कर रही थी कितना ज़्यादा कम चूज कर सकूँ, बट आई हैव सीन स्वॉचेस इन इंस्टाग्राम ऑफ फ्यू इन्फ्लुएंसर्स. सो मुझे स्वॉच देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था. सो इसीलिए मैंने 7 शेड्स को पिक किया है. एंड लेट मी टेल यू, ईच ऑफ दिस रिटेल्स फॉर 899. यस, मतलब 900 ही पकड़ लो. एक एक लिप ग्लॉस काफ़ी ज़्यादा प्राइसी है. एंड लैक्मे का पहली भी एक लिप ग्लॉस था वो 450 या फिर 500 ऐसा प्राइस था, बट दीज आर एक्चुअली क्वाइट एक्सपेंसिव. नाउ फर्स्ट लेट मी शो यू द आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग. एंड एज यू कैन सी दिस इज द पैकेजिंग, आप लोग देख सकते हो लैक्मे का क्लासिक पैकेजिंग. अभी न्यू पैकेजिंग ऐसा है एंड इट्स अ कलर कोऑर्डिनेटेड पैकेजिंग, मतलब कैप के इस साइड पे आप लोग को जो लिप ग्लॉस का कलर है वही देखने को मिलेगा. एंड उसके साथ साथ यहाँ पे आप लोग को मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट ये सब कुछ मेंशन कर मिल जाएगा. इट हैज़ 3 ईयर्स ऑफ शेल्फ लाइफ एंड ऑलरेडी मैंने आप लोग को प्राइस बता ही दिया, इस रिटेल्स फॉर 899. एंड लैक्मे के प्रोडक्ट्स में ना न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट्स पर उतना ज़्यादा आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस ही देखने को मिलेगा, बट हाँ आप लोग को अगर अमेजोन से बाई करते हो तो आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल जाएगा. एंड लेट मी टेल यू, ईच ऑफ दिस हैज क्वान्टिटी ऑफ 5 ml प्रोडक्ट. एंड मैं जब इंस्टाग्राम पे स्वॉचेस देख रही थी इसका, तो बहुत लोगों ने क्लेम किया कि लिटरली फेंटी ब्यूटी की तरह इसका फॉर्मूला है. एंड आई हैव विथ मी द फेंटी ब्यूटी ग्लॉस एंड आई हैव टू से यस, फेंटी ब्यूटी की तरह इसका फॉर्मुलेशन ना एकदम थिक एंड काफ़ी ज़्यादा थिक है. ठीक है, सो या आई एम एक्चुअली क्वाइट इम्प्रेस्ड एंड दीज आर एक्चुअली सुपर ग्लॉसी एंड ये ना आपके लिप्स को काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट भी करता है. सो दे हैव क्लेम इट्स अ ग्लिटरत्री सॉरी ग्लिटरत्री लिप ग्लेस, नॉट लिप ग्लॉस, लिप ग्लेस, ग्लिटर चंक्स इन इट, बट दे आर नॉट, दे आर विजिबल बट दे आर नॉट, यू नो दे यू वोंट फील द ग्लिटर चंक्स बट यू यू कैन सी दोज. ओके, एंड इरेजिस्टेबल शाइन उन्होंने यही सब क्लेम किया है. एंड ये लिप्स को मॉइस्चराइज भी करेगा. एंड दिस इज द इनर पैकेजिंग, आई मीन आप लोग देख सकते हो, इट्स अ सी थ्रू पैकेजिंग. द पैकेजिंग स्क्रीम्स लग्जरियस, आई मीन आई जस्ट लव इट. आप लोग देख सकते हो लैक्मे का यहाँ पे लोगो है, विच लुक सो प्रिटी. एंड स्पेशली दिस शेड इज लिटरली आउट ऑफ स्टॉक फ्रॉम एवरीवेयर. मैंने अमेजोन से खरीदा है, अमेजोन पे ये लास्ट पीस बचा था मैंने जब खरीदा है. आप लोग देख सकते हो दिस इज द शेड बेरी स्पार्कल, आई गेस बेरी स्पार्कलर, यस बेरी स्पार्कलर. ये इतना ज़्यादा वायरल हुआ है. करेंटली आई एम वेयरिंग दिस शेड, इट हैज़ ब्लू एंड वाइट शिमर्स इन इट. एंड आप लोग अगर अच्छे से देखोगे तो आप लोग को पता लगेगा. आप लोग शायद सोच रहे हो ये देख के शायद बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर है, नहीं. करेंटली आई एम वेयरिंग दिस शेड ऑन माई बेयर लिप्स एंड आप लोग देख सकते हो काफ़ी लाइट सा टिंट है, बट सिंस दीज आर थिक तो इसीलिए ऐसा लग रहा है. एंड आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा शाइनी है. दीज आर नॉट स्टिकी, दीज हैज़ द थिक फार्मूला बट दीज आर नॉट स्टिकी विच इज़ एग्जैक्टली लाइक फेंटी ब्यूटी. फेंटी ब्यूटी भी स्टिकी नहीं है, बट फेंटी ब्यूटी ग्लॉस जो बॉम, ग्लॉस बॉम जो है, आप लोगों ने अगर ट्राई किया है तो आप लोग को ऑलरेडी पता है काफ़ी ज़्यादा थिक फार्मूला है. एग्जैक्टली इसका फार्मूला भी बहुत ही ज़्यादा थिक है. इट्स नॉट अ लाइट वेट फार्मूला, इट्स अ थिक फार्मूला एंड इट हैज़ सो मेनी शिमर्स. आप लोग देख सकते हो, वाओ इट लुक्स सो प्रिटी. एंड दिस शेड
स्पेशली दिस शेड, करंटली आई एम वेयरिंग दिस शेड, दिस शेड विल सूट ऑल द इंडियन स्किन टोन. वाओ इट लुक्स सो प्रिटी. एनीवेज आप लोगों को मैं एंड ऑफकोर्स बैक साइड पे आप लोगों को यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट एंड उसके साथ साथ शेड नेम भी मेंशन का मिल जाएगा. लैक्मे का पैकेजिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड आई जस्ट लव पैकेजिंग. एनीवेज लेट मी शो यू द एप्लीकेटर. इट्स अ चंकी दो फुट एप्लीकेटर, इट्स अ थिक दो फुट एप्लीकेटर, आप लोग देख सकते हो. लेट मी जस्ट शो यू द स्वॉच, आई होप यू कैन सी इट. आप लोग देख सकते हो. As I have said, it's not that much tinted. है बहुत ही ज़्यादा light tint देता है, but हाँ इस पर काफ़ी ज़्यादा shimmers है and आप लोग clearly देख सकते हो कितना ज़्यादा shimmery है. जो लोगों को shimmery glittery lip gloss बहुत ही ज़्यादा पसंद है and बहुत ही जो कि shine भी देगा and lips को hydration भी provide करेगा, आप लोग को lip gloss अच्छा लगने वाला है ना. इट जस्ट सीम्स लग्जरियस. हाँ पैकेजिंग थोड़ा सा बिग है, पर्स पे आप लोग कैरी भी कर सकते हो, बट हाँ आई थिंक जिन लोगों को थोड़ा सा थिक एंड अच्छा खासा कंसिस्टेंसी वाला लिप ग्लॉस पसंद है जो कि ग्लिटरी भी होगा, शाइनी भी होगा, लिप्स को मॉइस्चराइज भी करेगा, नॉन स्टिकी लिप ग्लॉस स्पेशली, तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हो. बट हाँ ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंड मैंने इसको पहन के टेस्ट आउट भी किया है वेयर टेस्ट के लिए, तो वीडियो पर मैं उसको आगे भी दिखाने वाली हूँ. एंड ऑल्सो जिन लोग जो लोगों को फेंटी ब्यूटी का लिप ग्लॉस, शायद बहुत लोगों ने, सब लोगों ने ही फेंटी ब्यूटी का जो लिप ग्लॉस बॉम्ब है मैं यहाँ पे पिक्चर दे दूंगी, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा शायद आप सभी लोगों ने सुना होगा, बट आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप लोग ये वाला ट्राई कर सकते हो बिकॉज फेंटी ब्यूटी की तरह इसका फॉर्मूला एग्जैक्ट सेम है. लैक्मे ने लिटरली फेंटी ब्यूटी का इस बार कॉपी किया है अच्छे से, पहले भी कॉपी किया है एक लिपस्टिक का. सो दीज लिप ग्लॉसेस आर नॉट दैट मच पिगमेंटेड. शायद आप लोग पैकेजिंग देख के सोचोगे कि वाओ दीज आर सो पिगमेंटेड. नो दीज आर नॉट पिगमेंटेड, आई मीन दीज आर नॉट टिंटेड लिप ग्लॉस, दीज आर पिगमेंटेड. मतलब दीज आर नॉट टिंटेड लिप ग्लॉस. ये इस पर ना टिंट 40-50% तक है, बाकी ज़्यादा स्पार्कली है. दीज आर मोर लाइकली स्पार्कली लिप ग्लॉस एंड हाँ थोड़ा बहुत टिंट है, ऐसा नहीं है. इसको आप लोगों के लिप्स अगर थोड़ा सा डार्क है ना, तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी एक लिप लाइनर पहनने के बाद ये लिप ग्लॉसेस पहनो, ट्रस्ट मी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा. स्पेशली ब्राउन लिप लाइनर के साथ कोई भी लिप ग्लॉस को पेयर अप कर सकते हो, कोई भी शेड को बहुत ही अच्छा दिखेगा, स्पेशली आपका लिप्स अगर थोड़ा सा डार्क है तो. एंड या आप लोग ऐसा मत सोचना कि शायद बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड होगा, बहुत ही ज़्यादा टिंटेड होगा, मैं इसको खरीद लेती हूँ ऐसे ही पहनूंगी, तो उससे आप लोग डिसअपॉइंटेड हो सकते हो बिकॉज दे ऑल्सो हैव नॉट क्लेम कि बहुत ही ज़्यादा टिंटेड होगा, ये मॉडरेटली टिंटेड. अभी अगर स्मेल की बात करें, इट हैज़ अ वेरी कैरामेल काइंड ऑफ अ स्मेल. सारे के सारे लिप ग्लॉस पे ना कैरामेल काइंड ऑफ अ स्मेल है एंड इट्स अ सी थ्रू लिप ग्लॉस जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड द पैकेजिंग फील्स एंड लुक्स वेरी लग्जूरियस. सो या अभी मैं आप लोगों को स्वॉचेस दिखाने वाली हूँ सारे के सारे शेड्स का इन दिस आर्टिफिशियल लाइट विथ मेकअप एंड विदाउट मेकअप इन नेचुरल लाइट, उसके साथ साथ अपक्लोज स्वॉचेस भी, ताकि आप लोगों को शेड्स कैसा है, कैसा कैसा शिमर्स है, क्योंकि एक एक शेड पर एक एक तरह के शिमर्स है, तो आप लोग को अच्छे से पता लग जाएगा. एंड कौन सा शेड, कौन सा फेंटी ब्यूटी का ड्यूप है, वो आप लोग को मैं वीडियो पे आगे बताने वाली हूँ. सो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना. दिस इज अ रेड ग्लॉस, यस दिस इज अ वार्म टोन रेड ग्लॉस एंड इट हैज सिल्वर शिमर्स इन इट. Peachy pink lip gloss and it also has a silver shimmers in it.
shade lip gloss and it has iridescent pink and silver shimmers in it. This is a clear lip gloss and it has silver shimmers in it. This is a warm tone brown lip gloss and it has pink and golden shimmers in it. This is a proper brown lip gloss and it has golden shimmers in it. This is a berry lip gloss and it has purple and blue shimmers in it. स्वॉचेस एंड आप लोग को क्लियरली आइडिया हो ही गया होगा कि शेड्स कैसा है एंड आर दिस ट्रांसफर प्रूफ. ऑफकोर्स दीज आर नॉट ट्रांसफर प्रूफ. ये लिप ग्लॉस है, कैसे ट्रांसफर प्रूफ होगा? इतना ज्यादा ट्रांसफर होता है तो आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट सारा का सारा ही निकल गया ना. आप लोग देख सकते हो फिर भी मेरे लिप्स ना काफी ज्यादा मॉइस्चराइज एंड सॉफ्ट फील हो रहा है. नो दीज आर नॉट वाटर प्रूफ
एंड आर दिस ट्रांसफर प्रूफ? ऑफकोर्स नॉट. मैंने आप लोग को ऑलरेडी दिखाई दिया कि इतना ज़्यादा ट्रांसफर हो रहा है. एंड मैंने इसको पहन के टेस्ट आउट किया है, आप लोग यहाँ पे देख पाओगे. सो आउट से ये 4 to 5 hours तक अच्छे से स्टे करता है. ना आप लोग अगर हेवी मील खाते हो तो लिप्स से ये घट जाएगा, बट हाँ आपके लिप्स ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइज फील होगा. स्पेशली मेरी लिप्स ना काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाता है बीच बीच पे. तो जिन लोग के लिप्स बहुत ही ज़्यादा ड्राई है ना, आप लोग को ये लिप ग्लॉस बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, बिकॉज ये आपके लिप्स को ना काफ़ी अच्छे से हाइड्रेट भी करता है, मॉइस्चराइज भी करता है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. इट हैज़ अ थिक फॉर्मूला एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बट हाँ दीज आर एक्चुअली रियली गुड. एंड डिनर करने के बाद कैसा लगता है आप लोग यहाँ पे देख पाओगे. सो या आई वुड से मतलब लिप ग्लॉस के हिसाब से अच्छा, मतलब लिप ग्लॉस 4 to 5 hours से ज़्यादा स्टे नहीं करता है ना. एनीवेज अभी अगर एक एक करके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव द पैकेजिंग, द आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग ऑल्सो स्क्रीम्स लग्जरी. इट्स अ वेरी लग्जरियस पैकेजिंग. मतलब लैक्मी ने अपना जो पैकेजिंग को इम्प्रूव किया है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. एंड या नेक्स्ट पॉइंट में बताऊँगी, आई लव द इनर पैकेजिंग. द इनर पैकेजिंग स्क्रीम्स लग्जरियस, आप लोग देख सकते हो. इट्स अ सी थ्रू पैकेजिंग, सी थ्रू पैकेजिंग अच्छा लगता है. इट हैज़ गोल्डन कैप एंड बहुत ही अच्छा चंकी एप्लीकेटर है, जिससे आप लोगों को 2 coat अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप लोग अप्लाई कर सकते हो, बट मैं आप लोग को सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप लोग 2 coat तक अप्लाई करो, तो उससे क्या होगा, हेवी फील होगा, क्योंकि दीज आर थिक लिप ग्लॉस, दीज आर थिक फार्मूला. तो आप लोग को मैं सजेस्ट करूँगी 1 coat तक ही अप्लाई करो, एंड आपके लिप्स ना कंप्लीटली मॉइस्चराइज, हाइड्रेटेड एंड ग्लॉसी भी लगेगा. एंड ऑल्सो आई लव हाउ ग्लिटरी दीज आर. मतलब मैंने इंडियन ब्रांड पे दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा ग्लिटरी लिप ग्लॉस देखा है. मैंने इससे पहले जो भी ब्रांड देखा है, मेबलिन का आप लोग बोलोगे, उतना ज़्यादा ग्लिटरी नहीं है, बट दीज आर सो ग्लिटरी, सो शाइनी. एंड ये ग्लिटर्स ना आपके लिप्स पे फील नहीं होगा, जो कि और भी ज़्यादा अच्छा लगा. दिस डज नॉट हैव एनी चंकी ग्लिटर्स, जो कि आपके लिप्स से फील होगा, बट हाँ आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना, कैमरे पे भी शो होगा अच्छे से कि ग्लिटर्स, ग्लिटरी लिप ग्लॉस आपने लगाया, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. दीज आर सो स्पार्कली, सो प्रिटी. एंड और एक चीज़, दे इट हाइड्रेट्स एंड मॉइस्चराइजेस योर लिप्स सो वेल, जो कि मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा. एंड आई लव द एप्लीकेटर. इट हैज़ दैट बिग डो फूट चंकी एप्लीकेटर, जिससे आप लोगों को 2 coat तक अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, जो कि मुझे सच में अच्छा लगा. एंड ऑल्सो आई लव द शेड्स. ऑल द शेड विल सूट ऑल द इंडियन स्किन टोन. मतलब शेड्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सारे के सारे शेड्स. तो आप अपने हिसाब से कोई भी शेड चूज कर सकते हो. एंड कुछ लोगों ने मुझे पूछा है, हाउ डज इट टेस्ट, लेट मी टेल यू, इट टेस्ट लाइक नथिंग. ओके, ऑल्सो इट हैज़ वेरी माइल्ड कैरामिल काइंड ऑफ अ स्मेल, जो कि मतलब उतना ज़्यादा आप लोगों को मतलब नहीं आएगा, बहुत ही माइल्ड एंड हल्का सा स्मेल है. सो और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी प्रो पे, कुछ लोग पूछते हैं कि लिपस्टिक के ऊपर अप्लाई कर सकते हो कि नहीं. हाँ, ये लिप ग्लॉसेस को आप लोग अप्लाई कर सकते हो. ये लिप ग्लॉस अप्लाई करने के बाद आपके मैट लिप्स ना क्रैक नहीं होगा, क्योंकि आई नो बहुत सारे मैट लिपस्टिक क्रैक हो जाता है, बट ये लिप ग्लॉस से वो नहीं होगा. आप लोग को अगर ग्लॉसी लिप्स पसंद है मैट लिपस्टिक के ऊपर, तो आप लोग इसको पहन सकते हो इजीली. अभी अगर कॉन की बात करें, फर्स्ट जो कॉन मुझे लगा, I love these lip glosses, but these are actually quite expensive. मतलब I know the formulation is actually really good. Exactly, मतलब इसका जो formula है ना, exactly Fenty Beauty का dupe है, exactly same formula है, but Fenty Beauty से बहुत कम प्राइस है. अगर आप लोग इंडिया पे देखोगे Fenty Beauty के lip gloss का, तो एक एक का price होता है 2400 something, 2000 के ऊपर ही होता है, but एक एक का 899 है. but Indian economy के हिसाब से these lip glosses are actually quite expensive. So इसका प्राइस अगर थोड़ा सा ज़्यादा कम होता ना, लाइक 500 to 600 के अंदर होता ना, तो मैं आप लोग को हाईली सजेस्ट करती, बिकॉज आई रियली लाइक दिस लिप ग्लॉसेस. मतलब एक अच्छा लिप ग्लॉस पे जो भी सारे, एक अच्छा लिप ग्लॉस पे जो भी मैं सारे क्वालिटीज़ ढूंढती हूँ, वो सारे के सारे ये लिप ग्लॉसेस पे. एंड मुझे ग्लिटरी लिप ग्लॉसेस बहुत पसंद है. सो या आई रियली लाइक देम. एंड आप लोग को अगर ग्लिटरी स्पार्कली लिप ग्लॉस चाहिए, सामने फेस्टिव सीजन भी आ रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हैं. अमेजोन पे आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल जाएगा. मैं जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो. सो यस गाइस, ये तो रहा सारे मेरे प्रोज एंड कॉन्स की बात. अभी अगर फाइनल रेटिंग की बात करें, तो आई विल रेट दिस लिप ग्लॉसेस 4.5 out of 5, बिकॉज आई रियली लाइक देम. मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. एंड बस इसका प्राइस थोड़ा सा कम होता ना, तो 5 out of 5 देती, बिकॉज आई रियली लाइक देम. स्टेइंग पावर भी ठीक ठाक ही है. सो या
दीज लिप ग्लॉसेस आर एक्चुअली रियली गुड, बस इसका प्राइस थोड़ा सा कम होता तो ज़्यादा अच्छा होता, तो इसीलिए 4.5 out of 5। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टूडेज रिव्यू। एंड आप लोगों को फिर भी अगर कुछ भी क्वेश्चन है क्वारीज है, आप लोग मुझसे कॉमेंट सेशन पर पूछ सकते हो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। एंड ऑल्सो गाइज, इफ आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन जस्ट नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन, सो दैट वेन एवर आई विल पोस्ट न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफाइड। एंड ऑल्सो गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो योर थॉट्स एंड ओपिनियन। सीरियस गाइज, दैट्स इट, ऑल्सो इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।